बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक अफसोसनाक वाकया बताने वाला हूँ। दोस्तों, 7 साल बच्चे ने माँ पर गोली चला दी, वो कैसे, मैं आप लोगों को आज मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा। उससे पहले दोस्तों, आप लोग बच्चे और उसकी माँ की तस्वीर देख लें। दोस्तों, फैसलाबाद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां मां की मौत का सबब उसका अपना 7 साल बेटा बन गया। दोस्तों, फैसलाबाद में 7 साल बच्चे अजहान ने पिस्तौल से मां पर गोली चला दी। बच्चा पिस्तौल को खिलौना समझ कर खेल रहा था, गोली लगने से 27 साल खातून जहां बाक हो गई। पुलिस रजाई के मुताबिक ये वाकया जंग बाजार में पेश आया। दोस्तों, इससे कबल कई ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं, जहां पिस्तौल साफ करते हुए लोग गोली का निशाना बन जाते हैं। अक्सर कात ऐसा भी होता है कि बच्चे खिलौना समझ कर पिस्तौल से खेल रहे होते हैं कि गोली चल जाती है। दोस्तों, ऐसा ही वाकया आज़ाद कश्मीर में भी पेश आया है। आज़ाद कश्मीर के शहर पलंदरी में खेल में 2 सगी बहनों की जान चली गई। दोस्तों, बच्चे असली पिस्तौल को खिलौना पिस्तौल समझ कर खेल रहे थे कि गोली चल गई। पुलिस के मुताबिक पलंदरी के इलाके नबगुआरा में 8 साल का बच्चा हमाज अपने पड़ोस में बच्चियों के साथ खेलने इनके घर आया था, जहां सेंध में रखी पिस्तौल को देखकर बच्चा खिलौना पिस्तौल समझकर पिस्तौल से खेलने लगा कि इसी दौरान गोली चल गई, जिसकी जद में आकर दोस्तों 6 साल ईमन मौका पर दम तोड़ गई। दूसरी जानिब दोस्तों, एमन की 4 साल बहन नूर गोली लगने से जख्मी हुई, जो अस्पताल के रास्ते में जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गई। हुकूमत सिंध की जानिब से खिलौना पिस्तौल पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद की गई। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना समेत सिंध भर में खिलौना पिस्तौल की खरीदोफरोख पर पाबंदी दफा 144 के तहत लगाई गई थी। दोस्तों, ये एक अफसोसनाक वाकया पेश है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कैसे एक 7 साल बच्चे ने अपनी माँ पर गोली चला दी। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मज़ीद अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डेली जॉब इन्फो को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।